बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, मैं मुअज़्ज़म अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल ग्रीन हाउस। तो कोरल ग्रीन हाउस में हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। आपने लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक बार दुरूशरीफ आपने लाजम पढ़ लेना है, जो कि छोटा सा दुरूशरीफ है। अल्लामा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाला आली मोहम्मद, अल्लामा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाला आली मोहम्मद। ठीक हुई दुनिया की और आखिरत की कामयाबी है इसी दुरूशरीफ में। अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक वो कामयाब करे, दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो आपने ये दुरूशरीफ भी आना मुसलसल पढ़ना है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बड़ा करीम है और अल्लाह पाक कामयाब करता है जो दुरूशरीफ पढ़ना नहीं छोड़ता। अल्लाह पाक उसको और उसके नबी सल्लम उसको नहीं छोड़ता। ठीक होगा जी। तो हमारे पास ये लोग सेलेक्ट करेंगे, पी का बटन दबाएंगे, सेंटर करेंगे, आल्ट और लेफ्ट राइट के साथ ऊपर करेंगे और जेड का बटन दबाएंगे, इसको करेंगे जूम। इस तरह से ये हमने जूम किया, ये हमारे पास आ गया सेम सेम ऐसा। इसको बिल्कुल लोगो चाहिए हमको, सेम लोगो बनाना बिल्कुल ऐसा। ठीक है भाई, सेम लोगो हम ऐसा बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? इसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं, शिफ्ट यार, इसको मैनेज करेंगे एक बार। तो स्पेस दबाएंगे, फिनिश करेंगे। हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल लिया टैक्स, यहाँ पे टैक्स लिया, ये टी हम टाइप करेंगे, टी नाम टाइप करें तो आप उसके साथ रेक्टेंगल के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम रेक्टेंगल के साथ बनाएं तकरीबन यहाँ से करके यहाँ तक और यहाँ से करके तकरीबन यहाँ तक। ठीक हो गई। इसमें हम कलर फॉर्डर दे देते हैं वाइट और शेप टूल हम ले लेंगे और इसको आपने इस तरह से कर देना जैसे वो था, इस तरह से थोड़ा सा इस तरफ ले लेते हैं सिंपल। और यहाँ से फिर हम लेंगे रेक्टेंगल टूल, यहाँ से सेलेक्ट करना आपने, फिर यहाँ से सेलेक्ट करना और फिर नीचे तक जाना, यहाँ तक एंटर दबाना। इसका भी कलर हम कर लेंगे यहाँ से वाइट। ठीक हो गई। यहाँ से फिर हम लेंगे शेप टूल, शेप टूल लेने के बाद हमको इसको अंदर की तरफ करना, ये वाला राउंड करना है, ऊपर का नहीं करना। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कौन सा होता है, तो इसमें तो चार हो रहे हैं, हम देखेंगे जिसमें हमने एक एक करना, ये करके देखेंगे इसमें भी चार हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसको लॉक, लॉक करेंगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी चारों होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बारह दो मैंने किया, ये लॉक किया, फिर हम करेंगे तो फिर ये देखें एक हो रहा है और फिर ये करेंगे, ये वाला नहीं हमको करना, ये वाला करेंगे शिफ्ट यार, ये किया तकरीबन यहाँ तक, फिर ये करना पड़ेगा, ये देखा ना, क्योंकि लॉक हमने तोड़ दिया पहले, लॉक था यहाँ तक। जितना आप करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा लेवर हो गया। ठीक हो गई। ये हमारे पास आ गया टी का लोगो, सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने वेल्ड करना, सिंपली वेल्ड कर लेना, तो ये हमारा वेल्ड हो जाएगा। अब हमको सेम सेम बनाना, ये जैसे सेम है ना, ये गैप है, इसके अंदर भी गैप है, सेम सेम ऐसा करना। तो ऐसा करेंगे, इससे पहले ये वाला यहाँ से हम लेते हैं रेक्टेंगल, ये हमने लिया रेक्टेंगल। ठीक हो गए हैं सिंपली, और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, सेलेक्ट करेंगे पी के साथ, इसको यहाँ पर लेकर आए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा राइट की तरफ, और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तकरीबन, तकरीबन यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक हो गया। इसका कलर फॉर्म बन देते हैं वाइट, और इसी तरह सेलेक्ट करना शिफ्ट के साथ, इस तरफ आपने ले आना, सेलेक्ट करना हमने शिफ्ट के साथ, इस तरफ आपने ले आना तकरीबन यहाँ पर छोड़ देना, माउस का बटन राइट दबाना और खलास। ठीक हो गया। सेलेक्ट करना आपने पूरे को, पूरे को हम सेलेक्ट करेंगे, बल्कि नीचे करेंगे, हमें पूरे को नहीं करना, सिर्फ टी को करना, ट्रिम करना, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, इसको करेंगे और खाली हमने क्या करना, ट्रिम। तो
तो इसको हम अब निकाल लेंगे। ये देखें बन गया सेम निशान। इसी तरह इसको करना सिर्फ शिफ्ट के साथ, इसको भी आपने करना ट्रिम। ठीक हो गया, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी निकाल दिया, खलास। अब हमारे पास ये आ गया वो प्रोसीजर पूरा बन गया जो हम बनाना चाहते थे इस तरह से। ठीक हो जी, अब हमको नीचे ऐसा सेम यू भी चाहिए, जैसे ये यू बना हुआ ना सेम ऐसा यू भी चाहिए। तो हम पेन टूल के साथ भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने पेन टूल लिया, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर, और फिर जाएंगे यहाँ पर, और फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस कोने पर सेलेक्ट करेंगे और एंटर का बटन दबा देंगे। उसके बाद शेप टूल लेनी, सिंपली शेप में टू कर्व करना, इसको टू कर्व करने के बाद नीचे ले आना इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे और आल्ट के साथ ऊपर की तरफ दबाएंगे, और यहाँ पर हम इसको रखेंगे तकरीबन इसके बराबर में ये, और यहाँ से तकरीबन इसके बराबर में। ठीक हो भाई, ये सिंपल हो गया। सेलेक्ट माउस का राइट बटन एंड ऐड ड्राइंग, सेलेक्ट माउस का राइट बटन एंड ऐड करना ये पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाना बस, खलास करना। फिर इसको सेलेक्ट करना हमें, सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको यहाँ पे ऐड करना और यहाँ पे ले जाना, और फिर हम इसको सेलेक्ट करना, ऐड करना, और फिर इसको हमने अंदर की तरफ ले जाना इस तरह से। ठीक हो गई, और इस तरह से आप इसको बाद में इक्वल भी कर सकते हैं, अगर इसको भी चाहें आप थोड़ा बाहर की तरफ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि वो वैसा ही, इसी तरह ये भी वैसा ही होगा। सेलेक्ट करना, इस यहाँ पर ऐड करना, और इसको भी यहाँ पर ले जाना, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी ऐड करेंगे, और यहाँ से भी हमने बाहर की तरफ ले जाना बस, खलास कर देना, यहाँ सेलेक्ट करना और यहाँ। ठीक है भाई, तो अब ये अंदर कमरा रहेगा, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे माउस का राइट बटन टू कर्व सिंपली, और इसी तरह हमने इसको भी इसी तरह से नीचे लेकर आना, दैट्स इट, सेलेक्ट करके इस तरह नीचे लेकर आना। ठीक है भाई, और इसी तरह हमने इसको तकरीबन रखना है यहाँ पर, और इसको तकरीबन रखना है यहाँ, और सेलेक्ट करेंगे इसको माउस का राइट बटन ऐड करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे क्लिक्ट, सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड पॉइंट करेंगे, और इसको इसके साथ मिला लेंगे बस, और इसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे और इसके साथ मिला लेंगे, खलास। और इसी तरह इसको हम सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम बाहर की तरफ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, जूम करना जेड दबाएंगे, जूम करेंगे थोड़ा पहले, क्योंकि इस तरह की तारें हमने बनानी पेन टूल के साथ, जो बहुत बन जाएगी इंशाल्लाह। तो पेन टूल लेंगे हम यहाँ से हमने स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पेन टूल लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने किया क्लिक, फिर हमने इसी तरह यू के तरह सेम गाने, और यहाँ से हमने क्लिक कर देना, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर एंटर, खलास। शेप टू लेनी, खलास माउस का राइट बटन टू कर्व एंड फिर नीचे की तरफ, इसी तरह नीचे की तरफ हमने यू की तरफ कर देना बस, खलास हो जाएगा। करेंगे नोड,
जेड दबाना, माइनस करना इसको, माइनस करने के बाद इधर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से दबाएंगे एंड वो यहाँ से लेकर यहाँ पर करेंगे, इंटर दबाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इंटर दबाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, इंटर दबाएंगे और क्लास करेंगे, बस जेड दबाएंगे, मैनेज करेंगे और ऊपर करेंगे मैस और भी करेंगे। ठीक है भाई, आप जो है ना जो काम किया ना यूनिक ट्रेड्स वो हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये देख सकते हैं आप जो हमको लोगो चाहिए था हजार सामने बन के आ गया, ये देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, शेप टूल लेंगे और ये इसको भी हमने काट के उसके बराबर में कर दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर लाइन हमने दी है इसको हम करेंगे थोड़ा मोटा, ये लाइन करेंगे सेलेक्ट और मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे यार, सिर्फ खाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सिर्फ यहाँ तक लाइन और इसको हम कर लेंगे फोर कर लेंगे या एट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नीचे और सेलेक्ट करेंगे तो इसको भी हम करेंगे एट, तो ये हमारा काम हो गया यहाँ तक तमाम। ठीक है भाई, अब हम टी को सेलेक्ट करेंगे, टी करने के बाद इसमें यहाँ पे देंगे सेम सेम ये वाला कलर और इसी तरह इसी यू में भी सेम सेम कलर हम देंगे यहाँ से ये वाला खलास। ठीक है भाई, और इसमें सेम सेम आउटलाइन में भी आप कलर सेम सेम दे सकते हैं, ये इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों को कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से टी को हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देंगे फिनिश, तो सेलेक्ट करेंगे हम पूरे को इस तरह से, नीचे वाले यू को सेलेक्ट करेंगे और आउटलाइन हम कर देंगे नॉन, तो ये चीज़ इसका कलर हम थोड़ा गहरे वाला दे देते हैं ब्लू, ये वाला जैसे सेलेक्ट करेंगे ये सेलेक्ट किया ये वाला कलर। ठीक है, नीचे वो ही रहने देते हैं, नीचे यूनिक ट्रेडर्स लिख देते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, क्लास कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें यूनिक ट्रेडर्स शिफ्ट ऑन यू शिफ्ट वन एन आई क्यू यू यूनिक ट्रेडर्स शिफ्ट ऑन टी आर ए डी ई आर एस यूनिक ट्रेडर्स हमने लिख दिया और यहाँ से इसको करेंगे हम बोल्ड खाली और इसको हम पकड़ेंगे डिलीट कर देंगे खलास, इसको हम पकड़ेंगे पूरे को, इसको हम यहाँ से बोल्ड करेंगे और बड़ा कर देंगे थोड़ा सा और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं वहाँ से फ़ॉन्ट, सॉरी कलर नहीं, जैसे ये फ़ॉन्ट पड़े हुए हैं ये वाला फ़ॉन्ट ये हमने फ़ॉन्ट लिया हुआ और यहाँ से हमने ये फ़ॉन्ट दे दिया खलास को इसको यहाँ पर और इसको हम यहाँ थोड़ा सा बड़ा करेंगे शिफ्ट रह जाओ और इसको इसी तरह ऊपर की तरह बड़ा करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और जी करेंगे और पी करेंगे मिडल, तो ये हमारे पास रेडी हो गया, सेलेक्ट करेंगे पी दबाएंगे मिडल और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इसको और एंकर पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे पीछे कलर दे देंगे, सेलेक्ट किया पीछे हम देते हैं येलो कलर इस तरह से ताकि ये लोगो हमारा नज़र आना चाहिए, तो इस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगे आपने मेरे चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब और दूसरी आपने ज़रूर पढ़ लेना जो कि है अल्लाह सरी मोहम्मद वाली मोहम्मद अल्लाह सरी अरा मोहम्मद वाली मोहम्मद, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है इसी में दूसरी में। ठीक है भाई, इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।